व्हाट्सअप गाइस, एमजीओ की नई वीडियो है क्यों हारे चुनाव। तो वीडियो का टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है और हाल ही में इलेक्शन भी हुए हैं, तो देखते पूरी वीडियो। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। कह ही रहे हैं अब तो ये सरकारी घर छिन जाएगा। छिन नहीं जाएगा, देना पड़ेगा, कोई छीनने नहीं आएगा। तो खाली वाली कीन जाए फिर। क्या आधा घंटे चिट्टिंग हो रही क्या नए सांसद की? मतलब तुम कि अभी रिजल्ट आया, वो दौड़ता हुआ चला आ रहा, घर दो। नहीं, अभी बहुत सारा पैसा वैसा सब जो गड़ा, कैश वैश फॉल सीलिंग। कहाँ गड़ा कैश फॉल सीलिंग में? सब खर्चा नहीं करा 50 करोड़ रुपया पानी में बहेगा। अरे अभी बहुत सारा पैसा गड़ा है, रुको, कहो सोफे हंसनी करिए, रुको ये देखो। अरे यार तुम लोग एकदम, हमने यहाँ तुम लोग को बुलाया है कि इस हार की समीक्षा करो। हम 2 बार के सांसद थे, कैसे हारे? हारे? अरे यार भीषण हारे, 8 लाख वोट से हारे। साला 3 दिन से मीडिया में मुंह नहीं दिखाया है, मीडिया वाले पीछे पड़े हैं। अरे तो वही कह रहा है, इतना बड़ा तख्ता पलट कैसे हो गया? इसकी समीक्षा कब होगी? समीक्षा कर लेंगे, लेकिन कह रहे हैं ये गड्डी अब निकल आई तो हम रख लें। हो चचा ले जा बेटे, काहे रख ले, कोछे में डाली गई है तुम्हारे जनेऊ में। कि सरकारी काला धन है जो अलॉट हो गया तुम्हारे नाम पे सांसद जी, सोफा फाड़ योजना में। सोफा फाड़ योजना, इसका तो मतलब तुम जो है, तुमको जगह पता है, तुम बीच बीच में निकाल लेते हो कि गड्डी रख लेते होगे? अरे नहीं नहीं बताओ, ये फंस गया। समुद्र से अगर 1-2 बाल्टी ले लेंगे तो काम नहीं पड़ जाएगा। और वैसे भी मान लो कल को फिर से नोटबंदी हो जाए तो हम थोड़ा थोड़ा खर्चा ही करते रहते। आप तो कह रहे थे आप प्रधानमंत्री बनोगे आगे चल के, तो आप तो बन नहीं पाओगे प्रधानमंत्री। बेटा 1-2 किलो नमक और ले आते, घाव पे लगा देते रगड़ के एकदम। कौन सा नमक लाए? सेंधा नमक। उधर समीक्षा हो रही यहाँ पे। माना कि हमने काम नहीं किया, लेकिन हमको वोट तो देते हैं। अरे 2 बार नहीं काम किया, 3री बार करते हैं हम काम। लेकिन नहीं, हम वोट नहीं देंगे। दूसरा आदमी के लिए ले, दूसरा आदमी पालो गोदी बिठा के। हट सारा, जनता ही सबसे खराब है, कायर जनता। जनता को काहे बदनाम कर रहे हो? कितनी बढ़िया नई नई संसद बनी थी, लेकिन बेकार हो गई। अब तो दूर से देखने को भी नहीं मिलेगा। जाओ तो कहो मार्ग भगा दे। 1-2 से नहीं सारा, 8 लाख वोट से हार गए। 8 लाख ऐसे 8 लाख लोग को पकड़ के लाए ना सीधा खड़ा करके, भून देना चाहिए गोली से साला। यार भगड़ा का है रहे हो। भुनना ही है तो 8 लाख को नहीं, फिर 9 लाख को भुनना है, जिससे कि 1 लाख से जीत तो हो पाए। नहीं पता चला अगली बार फिर चुनाव में 100-200 वोट से हारी गयो। मतलब भगले हो क्या? चुनाव इनका छोड़ो, ये बताओ कि वर्ल्ड कप में इंडिया जीत रही कि नहीं जीत रही इस बार? हम तुमको क्या बताए? ताजी मीडिया वाले फिर से आए हैं, कह रहे हैं कि नेताजी की इतनी भयंकर हार हुई है, तो हार पे कुछ कहना चाहेंगे? अरे कहना क्या चाहेंगे, जो कहना चाहेंगे वो लिख ही नहीं पा रहे हैं। लिखा तुमने कुछ? पता नहीं क्या गोच रहे बैठे 3 दिन से डायरी में। जब से एग्जिट पोल आए तब से कह रहे हार का भाषण लिख दो, कुछ हार की जिम्मेदारी, हार का ठीकरा अच्छा सा लिख दो, लेकिन नहीं, कहाँ है? अरे अभी लिख रहे हैं, अभी तो पहला ड्राफ्ट हुआ। अरे आप तो कितने ड्राफ्ट लिखोगे? कोई राजकुमार हिरानी की पिक्चर बना रहे हो क्या? कि सौरभ शुक्ला की वीडियो है बुलवा वाली, जो 1 महीना बन नहीं पा रही, 2 मिनट का लिखना है, दिखाओ। अरे नहीं, माना थी नहीं। इस हार से थोड़ा सा निराश हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा था मैं चुनाव प्रचार में आग मूत रहा हूँ, लेकिन मैं तो डैश डैश मूत रहा था। भाई ये क्या डैश डैश क्या है? डैश डैश की जगह पे मतलब अभी भरना है, मतलब एक खाली स्थान भरें। अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मूत रहे थे। आग मूतने का विलोम भरना, जैसे पानी मूत रहे थे, कुछ अच्छा गर्म पानी मूत रहे, ऐसा भी कर सकते हो। चुप रहो ना, नीचे पढ़ो, मेन चीज तो नीचे लिखी है। जनादेश का सम्मान करना मेरी जिम्मेदारी है। जनता कहेगी मैं नाले में कूद जाऊं तो मैं नाले में कूद जाऊंगा, जनता कहेगी सीट छोड़ दो तो मैं सीट छोड़। क्या है? क्या है? नाले में कूद जाऊंगा, ये क्या मतलब? मतलब कुएं में कूद जाऊंगा, बहुत सिंपल होता है, तो हमने लिख दिया नाले में कूद जाऊंगा, लेकिन जबकि ये अभी फर्स्ट ड्राफ्ट है, चेंज हो जाएगा, नाले में कूद जाऊंगा चेंज होगा। मतलब कुएं में कूद जाऊंगा हम नहीं लिखना चाहते थे, इसलिए हमने नाले में लिख दिया। वेरी गुड, लिख के ले जा।
इसके रैपट बजेंगे, कितनी मजा आ रही ना मेरे दर्द में, कितनी मजा है तुम लोगों को। भाई रो मत यार। सॉरी सॉरी बाल देंगे। नहीं हंसो भाई। अरे वाह वाह ना बाबू, हार जीत तो लगे करत। नहीं पापा रो रहे हैं। फोन हाँ। पे बता दिया। नहीं फपक फपक के नहीं रो रहे हैं, हूं करके रो रहे हैं। वीडियो अच्छा रुको भेजते हैं। रो पापा रो पापा रो रो पापा रो यार रो पापा वीडियो बनना। बेटा चले जाओ, नहीं अगले 5 साल लगातार पीटूंगा, एकदम फ्री हूँ, पूरा बताए दे रहा हूँ, सुबह शाम सुताई करूंगा। ये लड़के कैसे है पगलाता है आदमियों का। परेशान ना हो, अगली बार सब जीतोगे, सब अच्छा होगा, मंत्री बनोगे, प्रधानमंत्री बनोगे, सब आगे सब होता रहेगा। कौन कहता है आसमां में सुराग हो नहीं सकता। ये एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, रुक जाना नहीं तू कभी, हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साहेब हार के। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल दंगल ये क्या कर दंगल दंगल कपाली होने लगी क्या यहाँ पे कि मुजरा होने लग गया। समीक्षा हो रही, क्या हो रहा है, बात को समझो। आत्मा चीरे और अब हमको समझ में आ रहा क्यों पड़ पड़े इंतर चले जाते हैं ध्यान करने लगते जाके, तुम लोग की वजह से। अरे नेताजी जल्दी चलो, मीडिया वाले मान नहीं रहे, कह रहे आज ही कुछ बयान लेके जाएंगे। यार तुम्हारा लिखा कि नहीं लिखा कि अभी तक वहम गोच ही रहो बैठे। लिख लिया है, चौथा ड्राफ्ट है, बस एक दो चीजें बस बदलनी। जनता कहेगी मैं नाली में कूद जाऊं तो मैं नाली में कूद जाऊंगा। जनता नाले से खाली नाली में पहुंचे तुम चार ड्राफ्ट में। नहीं नहीं डायरेक्ट नाला से नाली नहीं किया, नाला से पहले पहुंचे सीवर नाला, लेकिन फिर वो अजीब पड़ रहा था, फिर उसमें क्या किया मैं सीवर टैंक कर दिया कि जनता कहेगी सीवर टैंक में कूद जाऊंगा ढक्कन खोल के, उसमें क्या बात है। लेकिन उसमें ये हो रहा था कि भैया एकदम पीली पीली गंदी गंदी इमेज आ रही थी आपकी, तो अच्छा नहीं, आपका वर्चस्व डाउन हो जाता फिर। तो हमने सोचा कि यार नाला ही रहने दो, लेकिन नाला फिर वही है कि पहले ड्राफ्ट वाली चीज हो रही थी, तो हमने इसको चेंज करके नाली कर दिया। अब ठीक वाह बेटे वाह। मीडिया वालों से कह देना अपने मन से जो मन हो लिख दें, छाप दें अच्छा सा, तिजोरी से निकाल के पैसे दे देना। अरे यहाँ से ले लो, यहाँ पैसे हैं, ये फिर निकाल। कितना रुपए लेता है ये तुम्हारा राइटर? क्या बताएं कितने रुपए लेता है, उसको जो है एक रुपया देने वाला नहीं। कद्दू हाँ तुम हूँ बहुत परम, हमारे पेट पे काहे लात मार रहे हो। तुम्हारे पेट पर इस वक्त खोपड़ी पे लात मारने वाला है। कथा कही का पूरे चुनाव भर तुमने इससे अपनी स्पीच लिखवाई है, नाली नाला हगना मुतना के आगे इसको कुछ आता ही नहीं। YouTube पे कॉमेडी वीडियो लिखने वाला राइटर है, शकल देखो इसकी, शकल देख के आदमी को हंसी आती। नहीं नहीं एक बात है, शकल के मामले में नेता जी की भी शकल देख लो तो हंसी आती, उनकी बातें सुन लो तो सबसे ज्यादा हंसी आती। समीक्षा करते हैं चलो, वैसे भी हमारा कुछ बच्चा होने वाला है, अगर लड़की होगी तो समीक्षा ही नाम रख देंगे आप। ओहो। पापा देखो टीवी देखो, तुम टीवी पे आ रहे देखो। हैं कहाँ कौन टीवी क्या? हार के बाद देखिए पगला ये सांसद। मीम मार्केट को मिला नया तमाशा, वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल। मजा आ गया ना पापा, देखो मजा आ गया ना। हाँ पापा एक बार और करो, ये वाली वीडियो बना के भेज देंगे, टीवी पे आएगी। जिंदगी झंड हो गई मटक रहा हूँ, जमानत जब्त हो गई मटक रहा हूँ, अपनी ही जनता को मैं खटक रहा हूँ, सबको लग रहा कि मैं अब खटक रहा हूँ, जिंदगी झंड हो गई मटक रहा। किसके साथ राजनीति की बहुत बातें होती है, उसको जरूर शेयर करो वीडियो। एक नंबर वीडियो, और इलेक्शन के माहौल में ये वीडियो आई है, मस्त कॉमेडी। वो रिस्पेक्ट बढ़ गया जिस बच्चे के लिए,
नेता को पापा रो रहे हैं। नहीं नहीं ऐसे नहीं, कैसे करके रो रहे हैं भाई, वायरल कर दी इलेक्शन रिजल्ट चल रहा है भाई। अगर इस इलेक्शन में ऐसा कुछ हो जाता मजा आ जाते है ना। मी मटेरियल चाहिए, स्क्रिप्ट राइटर गजब था साले, से स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई कब से लगा आप में नाला था तो नाली कर दिए, मस्त मजेदार ना, मस्त सोफे से पैसे निकाल निकाल के कब से खर्च कर। अरे उसकी उसकी कपड़े ही बढ़िया लगे मेरे को, कह रहे नोटबंदी कर दी ना इसलिए थोड़ा थोड़ा। वो युवा नेता था क्या शायद, वो ज्यादा कूल डूड सा बन के बैठा हुआ था भैया, यंग जनरेशन कह रहा खिसकाता रहता हूँ नोटबंदी हो जाए कब, तो खर्चा चलना चाहिए बाल ऐसे भाई यार। कैरेक्टर्स की फेशियल एक्सप्रेस वो जो कैरेक्टर के फेसेस होते हैं मस्त लगते हैं। जैसे उसको गप्पू सा दिखाया राइटर को, एक को भाई सब चिल मोड़ में बैठा हार गए शायरी दंगल का गाना बजा रहा है भाई। इस टाइम मोटिवेशन नहीं है, इस टाइम पे स्पीच देना था बाहर भाई, लेकिन फिर भी कुछ भी कहो अब मोदी जी का थर्ड टर्म आ गया तो उनको लिखा कांग्रेचुलेशन और ये वीडियो मस्त बनाई, जैसे इंटीग्रेट भी किया एनडीए इंडिया हर एक चीज और चलता रहता है चुनाव, जैसे वही है इनके भी एग्जाम ही है मंत्रियों के, मंत्री के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके मार्च अप्रैल के बाद बच्चों के बोर्ड्स के आते इनके पांच साल में आते हैं, फिर पांच साल का सदमा भी दे जाते हैं कईयों को। वो भैया वीडियो थी मस्त मजेदार है, आई एम श्योर आप लोगों ने भी एंजॉय करी होगी। समीक्षा करने आए तो समीक्षा ही नहीं करी, हार की कैसे हार गए बार बार वो पीछे गए कैसे हारे 8 लाख वोट से हारे। वो भैया मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।